जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मच नीडेड विन थी कराची की, और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि टीम ने डिफिकल्ट सिचुएशन से जिस तरीके से फाइट बैक किया, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और आई थिंक वी लुकिंग फॉरवर्ड कि इसी तरह कंप्लेसेंट ना हो। इस टेस्ट में भी कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। जहाँ जहाँ हमने अच्छा परफॉर्म किया उसको कंटिन्यू रखें, और जहाँ हमारे पास थोड़े से इम्प्रूवमेंट के एरियाज हैं उनको देखें, क्योंकि हमें पता है कि साउथ अफ्रीकन टीम एक टफ टीम है, और वो इस टेस्ट में स्पेशली उसके साथ आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, और कोशिश करेंगे कि सीरीज को बराबर करें और ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलें। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। कोशिश कर रहे हैं उसकी तैयारी करें अभी टेस्ट मैच से पहले, और फुल अपनी उसके साथ जाएं और सीरीज जीतने की कोशिश करें। अभी ऑब्वियसली वेदर डिफरेंट है, यहाँ की पिच डिफरेंट होती है। देखेंगे इंशाल्लाह। अभी अभी दिन पड़े हैं, फाइनल जो डिसीजन है वो एक दिन पहले या मैच वाले दिन करेंगे। पिच कैसी नजर आती है और क्या उस पे फाइनल उसकी सिचुएशन क्या है उस पे देख के इंशाल्लाह फिर अगर कोई समझ आई कि हाँ चेंज करनी है जरूर करेंगे। देखिए, मैंने इस सीरीज से पहले भी कहा था कि जो मर्जी इधर उधर बातें चल रही हैं लोगों की या बोर्ड क्या सोच रहा है, इस चीज से मुझे कुछ गरज नहीं है। मेरे ख्याल में जो फोकस है वो ये है कि जो सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, पिछला टेस्ट मैच कितना इम्पोर्टेंट था, और अब पिंडी टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में यही इसी पे ज्यादातर तवज्जो है, और ये टेस्ट मैच इम्पोर्टेंट है, इसमें अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, इसमें पूरा फोकस करना है कि ये टेस्ट मैच कैसे हम अच्छा खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। बाकी चीजें देखिए अनकंट्रोलेबल जो है उनके बारे में सोचने से कोई आप प्रेशर बिल्ड करते हैं, फायदा कोई नहीं उस चीज का। बिल्कुल, मेरे ख्याल में फाइनल जो आपको कंडीशन मिलती है मैच से एक दिन पहले या मैच वाली सुबह, उसको देखते हुए जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक डिसीजन लाजमी करेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बॉलर के लिए वहाँ हेल्प नहीं है, समझ आ रही है कंडीशन उसको हेल्प नहीं करेंगी, फिर भी आप उस के साथ चले जाएं। मेरे ख्याल में बिल्कुल तैयार हैं। अगर कोई ऐसी चीज नजर आए, ऑब्वियस चीज नजर आई कि नहीं हमें फास्ट बॉलर ऐड करना चाहिए, तो जरूर करेंगे। जी, पहले मैं दूसरे हिस्से का जवाब देता हूँ। हारिस इज बॉलिंग वेरी वेल। आई थिंक 13-14 ओवर कर रहा है वो वहां पे भी, कराची में भी, और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पुराने बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और वो जो स्पेल है, 3 स्पेल, आई थिंक ही इज गेटिंग रेडी, ऑलमोस्ट देयर। सो इज बॉलिंग रियली वेल। उम्मीद है इंशाल्लाह वो डेवलप हो रहा है, वो जरूरत पड़ी तो देखेंगे उसको भी। दूसरी जो चीज़ आपने कंडीशन की कही है, कोशिश की है हमने जो पिछले मैच में भी था कि थोड़ा बहुत हमें जो होम एडवांटेज है वो हो, पिच थोड़ा ड्राई हो। नॉर्मली जो हमारी कंडीशंस फर्स्ट क्लास में होती हैं उसमें ऑब्वियसली ग्रेन होती है ज़्यादा पिच, और इन बिटवीन द गेम्स इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता, तो मॉइस्चर ज्यादा होता है। अभी ये टाइम मिला है, काफी धूप छूप लगी है इन पिचेस को, होपफुली कि ये थोड़ा ड्रायर साइड पे होंगी, उससे थोड़ी डिफरेंट होंगी, और हम जो चाहते हैं उसकी तरफ होंगी। कोशिश यही है, बट देखते हैं फाइनली लास्ट डे पे ही ज्यादा बेहतर पता चलेगा इसका। देखिए, हम तो मेंटली पहले मैच में भी तैयार थे। ऑब्वियसली रिस्ट स्पिनर इम्पोर्टेंट होता है, और मेरे ख्याल में हम अभी भी तैयार हैं उसके लिए। ये तो जब वो खेलेंगे तो पता चलेगा कि हाउ इफेक्टिव वी कुड बी, बट आई थिंक एज अ टीम, हम एज अ बैटिंग यूनिट, हमें बिल्कुल मेंटली पिछले मैच में भी तैयार थे, अभी भी तैयार है, और लेट्स सी। आई थिंक ये वो चीजें हैं जिसके लिए, स्पेशली जब आप होम कंडीशन में स्पिनर्स या इस किस्म की पिचेस बनाते हैं, तो फिर जिस तरह पिछले मैच में मेरे ख्याल में अच्छा खेले हैं स्पिन को, तो हमें
कोशिश करनी है कि हम डोमिनेट करें स्पेन को अच्छा खेलें, यही आपके पास एक चांस है। मेरे ख्याल में थ्रू आउट द सीजन वसन ने अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ा सा मार्जिन आपको देना चाहिए जब आप इतने अरसे के बाद कमबैक करते हैं। कई दफा आप बीच में थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाते हैं या आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं जल्दी कुछ करने की। आई थिंक वो मार्जिन आपको देना चाहिए किसी भी बॉलर को। होपफुली जो हसन एज अ होल पैकेज आपको एक एज देता है आपकी टीम में, लेकिन उसका जो रन आउट था पहली इनिंग में, इम्पोर्टेंट रन आउट फील्ड में, फिर बैटिंग में उसका कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग में भी आई थिंक उसने प्रूव किया पुराने बॉल से भी नए बॉल से थ्रू आउट द सीजन। ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर एज अ पेसर। तो मेरे ख्याल में अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, अभी भी यहाँ पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, होपफुली विद द टाइम बेहतर होगा। एक ही मैच में उसको जज करना मेरे ख्याल में वो थोड़ी जाती है, टाइम और जो जो वो खेलेगा तो मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जाए। आई थिंक वर्कलोड देख रहे हैं हम, और शाहीन पे कोई ओवरलोड नहीं कर रहे हम बिल्कुल। इस पे जो फिजियो है हमारे, जो मेडिकल पैनल है, ट्रेनर है, बॉलिंग कोच अलाइंड हैं, और हर चीज उसके जितने भी ओवर्स हैं इन प्रैक्टिस, जो जो भी वो ट्रेनिंग कर रहा है उसको देखते हुए उसको खिला रहे हैं। और कहीं पे भी उसको हम उस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई खतरे की घंटी हो। आई थिंक एक एक चीज पे नजर है, और अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो ओवर बोल्ड कर रहे हैं या वो बहुत ज्यादा हम उसको खिला रहे हैं, या जरूरत है उसको रेस्ट की और फिर भी हम खिला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सारी चीजें कंट्रोल में है। ऑब्वियसली आपके लिए हर प्लेयर इम्पोर्टेंट होता है, और हफीज की जैसी फॉर्म है नो डाउट हर किसी को पता है, ही इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। बट आई थिंक कल वसीम ने भी ये चीज क्लैरिफाई की है, ऑन सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप तीन का एक मेडिकल पैनल ने सारी चीजों को देखते हुए सोचते समझते हुए प्रोटोकॉल बनाया है। आई थिंक दे अंडरस्टैंड बेटर इस चीज को, और उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते, उसकी वजह से आई थिंक ही इज नॉट देयर इन द स्क्वाड। ऑब्वियसली एज अ कोच विल मिस हिम, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स, कोई और जो भी खेलेगा जिस तरह की वो फॉर्म में है, बट दिस इज हाउ इट इज। कोशिश कर रहे हैं जी, समटाइम्स ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड स्ट्रगल्ड, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में हमारे जो ओपनर्स एस्टैब्लिश ओपनर थे जिन्होंने पीछे बड़ा अच्छा होम सीरीज में परफॉर्म किया, और शान मसूद आबिद परफॉर्म नहीं कर सके और आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी वजह से हमें चेंज भी करनी पड़े। बट समटाइम्स ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन आती है, यू हैव टू मेक चेंजेस, एंड उसमें कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट चांस दें किसी को भी, ताकि कोई भी लड़का सेटल हो सके उस पर। लुकिंग फॉरवर्ड, होप फॉर द बेस्ट, अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए। होम कंडीशंस है, टेस्ट मैच है, अल्लाह करे परफॉर्म करें, कॉन्फिडेंस इनको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी, आप कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट तो मेरे ख्याल में अल्लाह की तरफ से आते ही हैं। Thank you.